बेवकूफ नहीं की, जब खुद को संभाल नहीं पाती है तो ड्रिंक क्यों करती है? फिर शुगर भी वहाँ से चला जाता है। की? तो जब मैं बीमार थी तब तुम कहाँ थी? तुम्हें तुम्हारे साथ होना चाहिए था, पर तुम्हारे लिए पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे डैड के लिए मैं ये सब करती हूँ, तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, तुम्हारी केयर करती हूँ, पर मुझे तुम्हारे डैड की वजह से तुम्हें सहना पड़ता है। मामा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या आप उससे प्यार नहीं करते? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करूंगी? मैं सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से चुप हूँ, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है तुम जन्म लेती अपनी माँ को खा गई थी, कहीं मुझे भी ना खा जाओ। हाँ, बारिश शुरू हो गई, मुझे जाना चाहिए जल्दी। जिन, तुम बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? प्रोफेसर, आप यहाँ? जिन, तुम बारिश में इस तरह गीली क्यों हो रही हो? उठो। और तुम्हारे सैंडल्स कहाँ हैं? हाँ, वहाँ पर। तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी। प्रोफेसर, आप ये क्या कर रहे हो? रहने दो। मैं जो कर रहा हूँ करने दो, और तुम्हारे पैरों में भी लगी हुई है। तेरे दिल में मगर तेरी धड़कन तक ना जा। थैंक यू सो मच सर, अब मैं चलती हूँ। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, फिर मैंने तुम्हें देखा कि तुम यहाँ पर रोड पे बैठी हो, इसलिए मैं यहाँ आ गया। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं सर, वो बस मैं गिर गई थी। जिन, मेरा घर यहीं पास में है, तुम मेरे घर चलो, फ्रेश हो जाओ, फिर चली जाना अपने घर जब बारिश रुक जाएगी। वैसे भी बारिश बहुत तेज हो रही है। थैंक यू सो मच सर, पर मैं चली जाऊंगी। कुछ नहीं सुनना, चलो मेरे घर पे। तो चलोगी? एक सेकंड जिन। क्या हुआ प्रोफेसर? वो तुम्हारे पीछे, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए थे। चलो मेरा घर पास में ही है, वहाँ फ्रेश हो जाना। क्या मुझे प्रोफेसर के साथ में जाना चाहिए? देखो जिन, ऐसा मत सोचना कि मैं किसी गलत इरादे से तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ। नहीं प्रोफेसर, मैं ऐसा नहीं सोच रही। चलो चलते हैं। फिर आरम जिन को लेकर अपने घर जाता है। ये कितनी देर से सो रही है, इसकी वजह से मैं काम भी नहीं कर पा रहा। एक काम करता हूँ, इसे सुला देता हूँ। सोते
कितनी मासूम लग रही है और उसकी बातें सुन के सर में दर्द होने लग जाता है। खैर जो भी हो, पर मैं इसे वो नेकलेस वापस नहीं दूंगा और उसी नेकलेस की वजह से मुझे सब पता चलेगा। आखिर ये है कौन, इसके पास इतना महंगा नेकलेस कर क्या रहा है। इंटरनेट से पता चल सकता है कि ये नेकलेस कितना महंगा और किसने खरीदा है और कब। सो कैसे गई? ओह तो तुम उठ गई, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता भी है तुम कितनी देर से सो रही हो? तुम्हें 2 घंटे हो गए हैं। और हाँ, अब तुम वापस जा सकती हो, वैसे भी काम मैंने सारा कर लिया है। आज तो तुम सो गई, लेकिन अगली बार से ध्यान देना कि मेरे सामने मत सो। सॉरी सर, क्या मैं घर जा सकती हूँ? हाँ हाँ, जाने के लिए तो बोल रहा हूँ, जाओ। सर, जाने से पहले मेरा नेकलेस मुझे मिल जाता तो। भूल जाओ अपना नेकलेस, क्योंकि अब वो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी नेकलेस की वजह से मुझे सब पता लगने वाला है कि तुम आखिर हो कौन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है और तुमने मुझसे झूठ कहा है। हाँ? सर, ऐसा थोड़ा ना होता, मुझे प्यास लग रही बहुत तेज। ये सर भी ना पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। अगर इन्होंने डैड को सब सच बता दिया तो, अगर इन्हें सच पता चल गया तो। वो गरम और कड़वी है, उसे मत पियो। सर आप गुस्सा हो गए, मेरा नेकलेस मुझे वापस दे दो। मैंने तुमसे कहा ना कि अपने नेकलेस को भूल जाओ, और ये जो तुमने मेरे मुंह पे किया है ना, मन तो कर रहा है मैं तुम्हें। आप पता है सर, पार्टी दोगे ना, बाद में दे देना, मैं घर जा रही हूँ। बाय। तुम्हारे नेकलेस से तो मैं सब पता लगा लूंगा तुम्हारे बारे में, और ये जो मेरे मुंह पे तुम करके गई है ना, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। बारिश हो रही है। हाँ, बारिश हो रही है, अब क्या करूं? एक काम करते हैं, डैड को कॉल करते हैं, गाड़ी मंगवाते हैं और घर चलते हैं। हॉस्टल बहुत दूर है, जाऊंगी तो पूरी गीली हो जाऊंगी। अभी घर चलते हैं। डैड जल्दी से गाड़ी भेज दीजिए, यहाँ बारिश हो रही है, मुझे घर वापस आना है। पर बेटा तुम इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हो? डैड प्लीज सवाल जवाब मत पूछिए, जल्दी गाड़ी भेजिए। ओके ओके बेटा, तुम वहीं रहना, मैं अभी गाड़ी भेजता हूँ। ओके ओके डैड, जल्दी कीजिए, मुझे घर आना है। फिर टायर कॉल कट कर देती है। रात हो चुकी है, जल्दी से गाड़ी आ जाए। ऐसे क्या चिल्ला रही हो? मैं ही हूँ। तो आप मेरे पीछे क्यों करो? मैं डर गई, कहीं इन्होंने डैड और मेरी बात तो नहीं सुन ली। किससे बात कर रही थी तुम? वो मेरे दादा के दोस्त के भाई के बेटे का कॉल था। क्या बकवास कर रही हो, छोड़ो ये सब। बारिश हो रही है, तुम जाओगी कैसे? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। सर आप उसकी फिक्र मत करिए, मेरी खैप आ रही है, मैं चली जाऊंगी अभी, कुछ देर में आ जाएगी। आप जाओ ना, आप जल्दी जाओ यहाँ से। एक बात बोलूं, तुम बहुत अजीब हो, बहुत ज्यादा। इतना कहकर जंगो कहाँ से चला जाता है? सर को बेवकूफ बनाना कितना इजी है। थोड़ी देर बाद त्यों की कार आती है और वो उसमें बैठ कर अपने घर चली जाती है। जिन, तुम कब से वॉशरूम में हो? मैंने डिनर प्रिपेयर किया है, आ जाओ। जिन, नॉर्मल हो जाओ। हाँ प्रोफेसर, आ रही हूँ। हाँ जिन, जल्दी आओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ प्रोफेसर, अब मैं आ रही हूँ। जिन, नॉर्मल हो जाओ, सर को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम रो रही थी। चलो बाहर चलते हैं अब। सॉरी प्रोफेसर। कोई बात नहीं, चलो साथ में डिनर करते हैं। प्रोफेसर आपको मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। ऐसा नहीं है जिन, तुम मेरी स्टूडेंट हो और एक प्रोफेसर को हमेशा अपने स्टूडेंट की हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। फिर वो दोनों डिनर करते हैं। वैसे जिन, तुम वहाँ कर क्या रही थी इतनी बारिश में? वो प्रोफेसर, मैं अपनी मॉम से मिलने गई थी, आज छुट्टी थी ना। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर क्या तुम अपनी मॉम डैड से मिली? हाँ प्रोफेसर, मैं उनसे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है। वैसे प्रोफेसर, क्या आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हो? मेरा मतलब आपकी फैमिली का है, दिखाई नहीं दे रहा कोई भी। आपकी वाइफ भी रहती है? सॉरी सर, अगर कुछ गलत बोल दिया तो।
अरे तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? एक्चुअली मेरी फैमिली में बस मेरी एक बहन है, यहाँ पर मैं और मेरी बहन ही रहते हैं। एक्चुअली मेरी बहन इसलिए ज्यादा नहीं दिखती क्योंकि उसे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। वो बहुत घूमती फिरती है, हर जगह जाती है, इसीलिए वो सालों तक घर नहीं आती, पर कभी कभी आती है। वही मैं सोच रही थी प्रोफेसर, आपके घर में लड़कियों के कपड़े क्या कर रहे हैं? हाँ ये कपड़े मेरी बहन के ही हैं। ऐसे प्रोफेसर, इसका मतलब आपकी शादी नहीं हुई? क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी शादी हो गई है? सॉरी प्रोफेसर, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। दिल कहे कि आज तो छुपा लो तुम, पनाहों में के डर है तुमको खो दूंगा। दिल कहे संभल जरा खुशी को ना नजर लगा। मैं ना चाहते हुए भी उसी के बारे में क्यों सोचती हूँ? वो कितना अच्छा है, वो कितनी केयर करता है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। शनाय शायद ठीक कह रही थी, मुझे उससे प्यार हो गया है, पर मैं तो उसके बारे में ढंग से जानती भी नहीं हूँ, और वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करता, इनफैक्ट मेरी तरफ देखता भी नहीं है। इन समय तो मैं भूल ही गई, तायो जी ने अभी तक घर क्यों नहीं है? और शनाय का तो पता है मुझे, वो तो अपने घर गई है। मैं भी कॉल करती हूँ ताय को। फिर जिमिन ताय को कॉल करती है। कहाँ हो ताय, तुम अभी तक हॉस्टल क्यों नहीं आई? जिमिन बारिश बहुत तेज हो रही थी और हॉस्टल ऑफिस से बहुत दूर था, इसलिए मैं घर आ गई। ओह अच्छी बात है। वैसे तुम्हें जिन के बारे में कुछ पता है, क्या उसने कॉल किया था? मुझे नहीं पता, शायद वो अपने घर पे ही है, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी, वो क्यों आएगी वापस हॉस्टल। ओह हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। ओके कल मिलते हैं, बाद में बात करूंगी, बाय। थैंक गॉड मैं घर आ गई, अगर हॉस्टल जाती तो मैं पूरी गीली हो जाती। डैड यू स्कैर्ड मी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आपने मुझे डरा दिया। बेटा मैंने कहा तुम्हें डराया है, और तुम घर पे क्यों नहीं रहती हो? तुम्हें कौन सा नशा चढ़ा है हॉस्टल का? डैड मैंने कहा ना मैं हॉस्टल में ही रहूंगी, वहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे मजा आता है। पर बेटा तुम्हारे मम्मी डैडी भी तो घर पे अकेले रहते हैं ना, तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। मैं सोचूंगी इस बारे में। ओ जानसु तुम भी ना, क्यों डांट रहे हो मेरी बेटी को? चलो आओ डिनर करते सब साथ में। हाँ मॉम हम आ रहे हैं, चलिए डैड साथ में डिनर करेंगे। हाँ आज साथ में डिनर करेंगे। ओके प्रोफेसर अब मैं चलती हूँ, वरना लेट हो जाएगा ज्यादा। जिन क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ हॉस्टल तक? नहीं प्रोफेसर मैं खुद चली जाऊंगी। एक बार और सोच लो जिन, रात हो रही है, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ या फिर तुम सच में? सर मैं चली जाऊंगी, आप फिकर मत करो, और थैंक यू सो मच प्रोफेसर, बाय। जिन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी जान, कहूँ मैं क्या करूँ। जिमिन को क्या हो गया आज? पता नहीं खोई खोई सी लग रही है। ये खोई नहीं है, खोई गई है। मैंने इसे पहली बार फूलों से इतना प्यार करते हुए देखा है। इसको फूल पत्तियों से इतना प्यार कब हो गया? गाइस मुझे तो लगता है जिमिन को डब हो गया है। डब नहीं कहते उसे, लव कहते हैं, बोलना सीख लो पहले तुम। अच्छा ये बताओ कल मैं हॉस्टल में नहीं थी, कुछ हुआ था क्या? कल का तो पता नहीं, पर कुछ दिनों पहले जिमिन के साथ कुछ हुआ था। एक लकड़े के साथ जिमिन की किस हो गई थी, वो शायद उसके प्यार में पड़ गई है। अब तुम शायद लड़का कहना चाहते हो है ना? जिमिन की किस हुई थी और तुमने हमें बताया भी नहीं, और जिमिन ने मुझे नहीं बताया। हाँ। देखो तो इसे कैसे घुमी हुई है। जिमिन मेरी बात सुनो। अब तुम्हारी तो क्या किसी की भी नहीं सुनेगी। जिमिन सामने देखो। हाँ? जिमिन हाँ? तुम्हें पता है ये
गई है वो लड़का जिससे जिमिन की किस हुई थी। और मुझे लगता है इसी के प्यार में है जिमिन। क्या हुआ भाई, प्यार शायर की बातें हो रही क्या? मुझे भी बीच में घसीट लो। ये कितने स्मार्ट है ना। तुम ठीक हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए। पूरे कपड़े खराब हो गए। एक नंबर की डम हो तुम। अब पता नहीं घूर घूर के क्या देख रही हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बेवकूफ। हाँ, तुम जा रहे हो? मैं भी आ रही हूँ। जिमिन रुको, कहाँ जा रही हो? सुना है वो जा रहा है। ये तो पागल हो गई है। हे जिमिन, बस करो, वो चला गया। कितना सोचोगे इसके बारे में? होश में आओ, तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था। अच्छा हुआ तुम बच गई। हाँ, एक्सीडेंट कब? ये तो पागल हो गई।